कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। शेखर तो सही लग रहा है। आओ जी मैनुअल अटेंडेंस लगाते हैं ना, अटेंडेंस अटेंडेंस खेलते हैं हम, यही काम है। 25 26 आइए जी खेला जाए। चलो सो पायल प्रेजेंट मैम। पूजा पल्लवी प्रेजेंट मैम। भूमिका प्रेजेंट मैम। दीक्षा प्रेजेंट मैम। अरुषि प्रेजेंट मैम। काजल प्रेजेंट मैम। आशा तन्वीनाथ प्रेजेंट मैम। श्रुति प्रेजेंट मैम। चाली आस्था केंद्र अंकिता डोगरा तनप्रीत लिनिका लिनिका इज नॉट हियर मैम। मैं कल भी पे क्या नाम है, नाम क्या बेटा, आवाज नहीं आ रही। लिनिका है या तनप्रीत है? प्रेजेंट मैम। अच्छा बेटा कल आई थी? यस मैम। इससे पहले तेरी अटेंडेंस खराब क्यों लगी है? इंदिरा दिखी। ओके ऑलराइट। अनन्या प्रेजेंट मैम। माइक बंद कर ले, माइक बंद कर ले। दीक्षा भाटिया प्रेजेंट मैम। त्रिशा सॉरी सॉरी सेकेंड दीक्षा भाटिया। हाँ त्रिशा अक्षिता ठाकुर। यस मैम। अनुपमा प्रेजेंट मैम। अदिति सोनम यस मैम। ईशा भुवनेश्वरी यस मैम। पलक प्रेजेंट मैम। अक्षी रिया कुमारी यस मैम। अक्षिता कुमारी यस मैम। हर्षे सिरप प्रेजेंट मैम। तान्या रावल प्रेजेंट मैम। सॉरी रितेश चौहान प्रेजेंट मैम। अर्णव नहीं यार प्लीज, लड़कों का फ्लो कैसे टूट गया। अभिषेक कुमार दो बच्चे तुम खत्म हो मेरे हाथ से। मयंक यस मैम। रोहित विन्नी रिजुल यस मैम। गौरव यस मैम। उदय यस मैम। दिव्या अभिमन्यु पंच कौंडल यस मैम। तू भाई कल क्यों नहीं आया, परसों क्यों नहीं आया? मैं अटेंडेंस में लगी थी। कल आया था यस मैम। मेरे को तो याद नहीं है मैम। आया था कैसे मानूं, उसका तो मुझे याद था। चल कल टेस्ट चेक करके देखूंगी। और परसों कल क्या पढ़ाया था बता, जल्दी बता। वंश कल क्या पढ़ाया था बेटा, जो अगर तूने झूठ बोला ना तू अलग से पिटेगा मुझसे, खबरदार। चेक कर मैं फोटो भेज दी है। क्या पढ़ाई थी? मैं फोटो भेज दी है आपको। फोटो भेज दी है? अच्छा फोटो खींचता ही क्लास में। पक्का आया था? यस सर। ठीक है कह रहा मान लेती हूँ। निशांत यस मैम। हरीश यस मैम। अनव आर्यन प्रेजेंट मैम। आशीष प्रेजेंट मैम। अंतरिक्ष यस मैम। आशीष कुमार बता दियो भाई तू क्लास में। मन्नत नेहा कुमारी यस मैम। सलोनी पीयूष यस मैम। दीपक भारती ये आना जाना हाइड एंड सीक मत खेला करो, कोई नया बच्चा? यस मैम। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मैं अटेंडेंस में की पूजा। आज पहला दिन है? नो मैम मेरा रोल नंबर है दो। क्या रोल नंबर है?
मैम दो रोल नंबर है। पहले क्यों नहीं बोली? लेट आई है? यस मैम। लेट किस खुशी में आई थी? मैम लाइट नहीं थी तो। ठीक है जी, चलो लाइट ना आने की खुशी में लेट आई थी बच्ची। चलो आ जाओ। तो बेटा ईशा तेरा रह गया, चल ईशा इसके बाद करवा दियो, ठीक है, जाने से पहले। ओके यस मैम। चलो ऑब्जेक्टिव है आज हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हम पढ़ ही चुके हैं। आउट ऑफ एनसीईआरटी का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे कवर कर लेंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है आज मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा मतलब फीमेल या मेल? फीमेल। तो फीमेल के केस में जो बनता है एग, उसके बारे में बात करेंगे आज, ठीक है? ये मैम होमवर्क दिया था है? पहले तो माइक बंद कर लो बाकी लोग, अब मेरे को बताओ होमवर्क दिया था? तो फिर होमवर्क किया है? नहीं किया है? नहीं किया है? किया है या नहीं किया है भाई? नहीं किया है ना, आज होमवर्क नहीं किया, राइट? क्यों भाई, किसने किया है? रेज योर हैंड प्लीज। किसी ने नहीं करा? किसने किया है? यह याद है होमवर्क क्या दिया था? बेटा अगर होमवर्क नहीं करोगे ना तो फिर मैं उसको डिस्कस भी नहीं करूंगी, क्योंकि अगर आप होमवर्क नहीं करोगे, एक्स्ट्रा नहीं करोगे, तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों डालूं, है ना? फिर जहाँ पे होमवर्क, आपके पूरे बैच ने होमवर्क नहीं किया, ओके, जिस बैच ने होमवर्क किया फिर मैं उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालूं, तो होमवर्क आपने किया नहीं तो ये आपका पेंडिंग हो गया, पेंडिंग हो गया तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि ये तो बहुत गलत बात है कि आप होमवर्क नहीं करके आते हो। मैं बहुत माइनर होमवर्क देती हूँ, मेजर होमवर्क मैंने अभी तक दिया नहीं है, राइट? तो आपने होमवर्क नहीं किया, फाइन। सो फिर ये जो पार्ट है, ये जो इतने प्यारे डायग्राम्स आए थे रियल वाले, फिर वो डिस्कस नहीं होंगे आपकी वजह से, क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया, ठीक है? तो आप होमवर्क नहीं करोगे तो मैं डिस्कस नहीं करूंगी। सो अगर आप लोग कल होमवर्क करके आओगे तो मैं डिस्कस करूंगी। होमवर्क बस एनसीईआरटी की पिक्चर का आपको ये बताना था कि किस फ्लावर का है ये, सिनकार्पस मल्टी कैपिलरी वाला। पेज नंबर कौन सा था? बुक है ही नहीं तो 25 मैम, 25 पेज नंबर 25 पे जो पिक्चर थी उसकी लेबलिंग आपको ये बताना था ना कौन सा प्लांट है। यस मैम। राइट, तो दीक्षा होमवर्क तो बेटा था, सबके पास था, है ना? तो अगर तुम बाय चांस बीच में मीटिंग एग्जिट या एंटर होती है और तुम्हें नहीं पता चला, देन इन दैट केस यू हैव टू आस्क, अपने क्लासमेट से पूछो या मुझसे पूछो, लेकिन जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगे तब तक मैं कराऊंगी भी नहीं, तो ये पिक्चर्स मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी जब तक आप करके नहीं। मेरे पास एनसीईआरटी मैम बोल रहे मिल ही नहीं रही है कहीं। एनसीईआरटी नहीं मिल रही है तो क्लास की अगर प्रेजेंटेशन खोलती तो उसके अंदर मिल जाती फोटो जिसमें डाल रखी थी मैंने, कहा ना बनाए थे ना तो खोली नहीं थी, फिर मेरी गलती नहीं है ना। चलो आइए। सो ये आपको याद है तीन सर्कल जिंदगी के? ये मैम। बताओ भाई सबसे बाहर वाला सर्कल, सबसे बाहर वाला सर्कल क्या था? ओवरी। ओवरी। अंदर वाला क्या याद? और बिल्कुल अंदर छुप के बैठा था कौन? आज मैं तुमको उसके बाद में एक बात बताने वाली हूँ जो हम पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर में, अभी नहीं, कि ओवरी फ्यूचर में क्या बनाती है? रूट। रूट। मैंगो खाया सबने? यस। तो मैंगो खाने वाला पार्ट है दैट इज अ, हाँ तन्वी मैम आपने पूछा मैंगो खाया तो मैंने हैंड जेस्ट। अच्छा, तो खाने वाला पार्ट है ओवरी, उसके अंदर गुटली देखिए, दैट इज एन ओव्यूल, जो ओव्यूल फ्यूचर में मॉडिफाई होके सीड बनाता है। और हम कहते हैं ना सीड को मिट्टी में डालो तो नया प्लांट उगता है, क्योंकि सीड के अंदर बैठा होता है चुपचाप से हमारा एम्ब्रियो, तो जो हमारा एग है वो फ्यूचर में एम्ब्रियो बनाएगा। तो ये वाली बात हम लिख लेंगे, कैसे बनाएगा वो नहीं मैंने बताया अभी, वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन हम साथ साथ में कुछ डेटा इकट्ठा करते जा रहे हैं ना, तो ये हमारा एक डेटा था। ओके डन। चलो जी, अब ये वाला मेरे को एक बार रिवाइज करा देना, तुमको कुछ याद है कि माइक्रोपाइल और चलाजन के बीच में क्या था एक दूसरे के साथ? एक दूसरे से नफरत करते थे तो ऑपोजिट एंड पे। अच्छा ठीक है, याद है।
मैम आज इनके पास तलवारें नहीं है। नहीं बेटा आज इनके पास तलवारें नहीं है, होमवर्क नहीं करना तुम लोगों ने। इसमें अब सारे चैट बॉक्स में आओ। इससे पहले मैं तुम्हें आगे का प्रोसेस बताऊँ, मुझे ये जानना है कि तुमने रिवाइज किया नहीं, तो मुझे चैट बॉक्स में एक साथ बताओ आंसर लिख के, ए बी सी एंड डी जगह पे मैं क्या लिखूं। चलो बी को मैं लेबल कर देती हूँ, तो मुझे बता दो ए सी और डी में क्या लिखूं, एक साथ बताना। हाफ हाफ बताओगे तो कैसे चलेगा, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? ठीक है गुड अदिति, गुड तान्या, एक साथ लिखा है, गुड लेनिका, गुड काजल। सो ए वो साइट है जहां पर इंटेग्रूमेंट्स एब्सेंट होते हैं, तो इसे हम बुलाते हैं माइक्रोफ्लोरा। हाँ, डी वो है जो ओव्यूल को होल्ड करता है, वो बहुत फनी चीज है, दैट इज फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में जो वो दरवाजा था जहाँ हेलो बोलते थे, दैट इज हाइलम। वेरी गुड, शाबाश, गुड। चलो आजो, अब आज हम इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे ये जो प्रोसेस है, विच इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। अभी जो मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस है, इस डायग्राम को मिटाते हैं, आपको कंफ्यूज करेगा। मेगास्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसे पढ़ने का तरीका है, पहले तो हम स्टेप वाइज लिखेंगे, ठीक है? दूसरा, पहले मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी, इस ऑर्डर को समझ लो, पहले मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी, फिर मैं तुम्हें पूछूंगी, आई विल आस्क, किसी को डाउट है तो दोबारा एक्सप्लेन करेंगे दोबारा से, है ना? और फिर मैं तुम्हें टाइम दूंगी टू राइट। तो उससे पहले कोई लिखेगा नहीं, अगर तुम समझना चाहते हो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है। अगर तुम समझना नहीं चाहते मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, फिर तुम बीच में लिख सकते हो, है ना? क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, मैं तुम्हारे हाथ तो नहीं कंट्रोल कर सकती। लेकिन अगर तुम ऑनेस्टली समझना चाहते हो तो ऑर्डर ये रहेगा कि तुम तभी लिखोगे जब मैं बोलूंगी, उससे पहले नहीं लिखोगे। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कुछ बोल दूंगी जो वहाँ स्क्रीन पे नहीं होगा, अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा बोलूंगी तो मैं वो चीज वहाँ लिखूंगी भी। ये डील डन है, सबको क्लियर? हमारा पूरा फोकस मेगास्पोरोजेनेसिस पे है। इसको इतने अच्छे से करेंगे कि कल हमारे पास क्या होगा, पूरा फीमेल का पार्ट कवर हो चुका होगा। कल हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी को रिव्यू करेंगे और फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। तो मैं जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगी वो सब भी कल डिस्कस हो जाएंगे। सो बेसिकली मेल और फीमेल पार्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा कल तक। उसके बाद हमारे पास बच्चों जैसे टॉपिक रह जाएंगे कि पॉलिनेशन कैसे हुई, सीड कैसे बना, फ्रूट कैसे बना, छोटे छोटे टॉपिक है वो। तो मेजर पार्ट चैप्टर का खत्म है, और आपके स्कूल में भी इससे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और आपको एंट्रेंस में भी इससे कंपैरेटिव क्वेश्चन आएंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और माइक्रो और मेगास्पोरोजेनेसिस बहुत मिलते हैं, तो ट्रिक यही रहेगी, मैं एक्सप्लेन करूंगी, फिर डाउट पूछूंगी, दोबारा एक्सप्लेन करूंगी डाउट होगा तो, और बाद में आप लिखोगे। क्लियर? अब देखो हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें आराम से तसल्ली से समझना है, हमारी यही जल्दी है, बस इसी चीज को सब ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये बना दिया मैंने ओव्यूल, कैसा वाला ओव्यूल है ये, कुछ नाम था इसका? एनाट्रोपस। यस, तो जहाँ पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं, दिस इज अ एंड नोन एज माइक्रोपाइला। अच्छा, मुझे थोड़ा सा पोलन ग्रेन रिमाइंड कराना, मुझे याद नहीं है, तुम रिमाइंड कराओ, तुमको याद है तो, तुम पढ़ते हो तो तुम्हें याद होगा कि अगर पोलन ग्रेन जो है वो ऐसा कुछ बनाते थे हम स्ट्रक्चर, और हम कहते थे कि वो एग के पास तभी जाएगा जब वो दो गैमेट बना देगा, मेल गैमेट, ऐसा होता था? मैम, अब अगर मेल गैमेट को एग के पास जाना है और एग कहीं यहाँ पर आने वाला है, तो वो मेरे को बताओ इंटेग्यूमेंट जो इतने थिक थिक है उसको क्रॉस कर पाएगा? नो मैम। तो अगर वो क्रॉस नहीं कर पाएगा और मेल गैमेट को एंटर करना है इस स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो कौन सी जगह से एंटर कर पाएगा, क्या रीजन? माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइलर है ना, तो ये बात ना समझदारी के प्लांट को भी पता है। तो वो क्या कहता है, प्लांट कहता है कि माइक्रोपाइलर एंड है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ का एक सेल है जो मॉडिफाई करके एग बनाऊंगा, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, पोलन ग्रेन एक बनते हैं एक एंथर में या बहुत सारे बनते हैं? बहुत सारे। फीमेल की ओवरी में एग एक होता है या बहुत सारे? एक। बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे, चलो ऐसे करते हैं, एक ओव्यूल में एक एग होगा, बहुत सारे एक एग होगा। हम बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट याद करेंगे, हम बहुत बेसिक याद करेंगे, किसी को कंफ्यूजन है कि पोलन बहुत लेंगे हम लोग,
और एग हम एक ही लेंगे, ठीक है? आज के बाद हम एक ही याद कर सकते हैं, ठीक है? तो अब याद करो कि ये जो रीजन था इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स पड़े होते थे, नखरे वाले, इनका क्या नाम था एक सर? न्यू सेलर्स. न्यू सेलर्स क्या है? दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, कोई अभी नहीं होगा, ठीक है? ग्रुप ऑफ सेल्स. अब इसमें से एक सेल जिसको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आ गई, उसके डीएनए ने बता दिया कि अब तुम क्या बनोगे, अब तुम बनोगे मदर सेल और तुम एग बनाओगे, तो एक सेल मॉडिफाई होना स्टार्ट होगा. तो मैं वो कौन से एंड में होगा, क्योंकि माइक्रो पायलट से ही मेल गेमिट आना है, तो उसके पास वाला कोई सेल होगा. ये रेड कलर का दिख रहा है आपको, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया? यस मैम. ठीक है, दिस विल मॉडिफाई एंड बिकम मदर सेल. अब कौन सा वाला मदर सेल होगा, माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर? मेगास्पोर मदर सेल, और इसको हम बोलेंगे एमएमसी. अब मुझे बताओ इस पूरे स्ट्रक्चर में मैंने कहीं पे मियोसिस वर्ड बोला अभी तक? नो मैम. जब तक मैंने नहीं बोला मियोसिस वर्ड, तो हम जिन सेल्स की बात कर रहे हैं वो सारे सेल्स की प्लॉयडी होगी 2n. न्यू सेल इज भी 2n और मेगास्पोर मदर सेल भी 2n. क्लियर है ये बात? अब बताओ किसी को कोई डाउट अभी तक? नहीं. चलो लिखो 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 लिखो, शाबाश. अब लिखो और पिक्चर्स को ना, पिक्चर्स को क्लियर बनाना. देखो देखो, मेगास्पोरोजेनेसिस है, फर्स्ट स्टेप लिखा मैंने, ऐसे लाइन लिखी ऊपर, उसके नीचे मैंने पिक्चर बनाई. मैं कभी नहीं भूलूंगी वहां पे मैंने क्या पढ़ा था, ठीक है? पिक्चर को साफ बनाना, खुला बनाना, थोड़ा ऐसे गुच्छू गुच्छू मत कर देना, स्पेशली लड़के है ना ऊपर नीचे कर देते हैं, ऐसे नहीं करना. चलो करो, बनाओ बनाओ. बना रहे हो या नहीं? स्क्रीन की बंद कर दी तन्वी? नेहा मैम, मैम देख रही इतनी बड़ी आपको, तेरी तो ऑन है ना स्क्रीन, तो तुझे क्यों बोलूंगी पागल. दीक्षा बना रही है कि नहीं बना रही है? मैं बना रही हूँ. अगर नहीं बनाएगी तो खामा का बाद में टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, अभी बना ले साथ साथ. ये प्रोसेस यहाँ पे इतना अच्छे से करके जाना है कि इसके बाद जब तुम एनसीईआरटी पढ़ो तुम्हें सब समझ आ जाए, ओके? इतना अच्छे से करना है. पिछले टेस्ट में नंबर कम थे ना, तो वो उसका था ओवर, हमने नेगेटिव मार्किंग कर दी. ये चैप्टर ही अपने आप में डिफिकल्ट है, तो इस चैप्टर को हम लोग इतना इजी कर लेंगे कि जब तक इसका टेस्ट आएगा हमें बहुत अच्छे से आता होगा और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी. उसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट? तो हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, नई टेक्निक से कर रहे हैं हम, अलग से डायग्राम कर रहे हैं, थ्योरी अलग से कर रहे हैं, तो देखते हैं अगर ये वर्क किया तो फिर चैप्टर ऐसे करेंगे, राइट? लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा. चलो डन, जब डन है तो थम्सअप कर दो, थम्स अप करो, फिर पता चलेगा मुझे सबका डन है. मैम हैंड रेज कर दिया. ओके. हाँ निशांत, दे तो दिया बेटा टाइम. अब ओके ओके ओके, चलो चलूं आगे. सो देखो, माइक्रो पायलर एंड, ये वाले एंड पे One cell will modify and act as a megaspore mother cell. Megaspore mother cell. जब भी हम mother cell word बोलते थे, हाँ तन्वी बोल बेटा. तन्वी गलती से हाथ खड़ा करा. मैम गलती से. कोई बात नहीं, इसको हटा देती हूँ मैं, ये तो हमारे नोटिस के लिए था. अब देखो, जब भी हम बात करते हैं mother cell की, तो तुमको याद है कि जब भी मैं मदर सेल बोलूंगी मुझे दो वर्ड्स मेरे दिमाग में आने चाहिए, क्या? इसकी प्लॉयडी कैसी है? डिप्लॉयड.
डाइप्लॉइड है ना, प्लॉइडी मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2n लिखूंगी. और मदर सेल की मैं जब बात करूंगी तो नेक्स्ट स्टेप में मदर सेल क्या कर देती है? मियोसिस. नेक्स्ट स्टेप विल बी मियोसिस, है ना. तो ये ट्रिक है जो मुझे याद है, ये मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी, राइट. अब देखो, अभी कोई नहीं लिखेगा, यही लिखा हुआ है सब कुछ, है ना. तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो मेगास्पोर मदर सेल है, इट विल अंडरगो मियोसिस. और मियोसिस की खास बात क्या है कि वो हमेशा मियोसिस वन एंड मियोसिस टू दोनों होती है, राइट. तो अब इसको बनाते हैं, मैं यहाँ बना देती हूँ मेगास्पोर मदर सेल. ये रहा मेरा, ये है मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये उसका एक न्यूक्लियस. प्लॉइडी कितनी है इसकी? 2n. हाँ, मेगास्पोर मदर सेल. तो देखो याद ना, जब भी मेगा और माइक्रोस्पोर कहीं वर्ड पढ़ोगे ना एनसीईआरटी में भी, मेगा इतना वर्ड अंडरलाइन कर देना, माइक्रो इतना वर्ड अंडरलाइन कर देना, तब कभी गलती नहीं होगी तुम्हें, ठीक है. अब देखो, मेगास्पोर मदर सेल में हो गई मियोसिस. अब तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि मैं ना भूल गई. ओहो, ये उम्र भी ना होती चली जा रही है. तो एक सेल मियोसिस वन करके कितने सेल में डिवाइड होगा? तो यहाँ होगी मियोसिस वन. दो सेल बना देते हैं जैसे कि तुमने कहा, थैंक यू. तो इसकी इन एक एक सेल की पोलैरिटी कितनी होगी? NN. N. इसलिए मियोसिस वन इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन. अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, लगता है फुल मार्क्स आने वाले हैं. नाइस. अब मैं इनमें एक और मियोसिस टू करानी पड़ेगी. तो दोनों में कराऊं या एक सेल में कराऊं? दोनों में करा दो. अच्छा, तुम कहते हो तो दोनों में करा देती हूँ. मैं तुम्हारी बात कैसे टालू? कितने सेल बना दूं फाइनली? फोर. सेल न्यूक्लियस प्लॉइडी कितनी रखूं? एन. लिख दूं, ठीक है. इसे हम कहते हैं मियोसिस टू. एम टू लिख दूं? चार का ग्रुप है. जब भी चार का ग्रुप होता था हम वर्ड क्या यूज करते थे? टेट्राड. माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर? मेगास्पोर. दिस इज नोन एज मेगास्पोर टेट्राड. यानी कि हर एक सेल क्या कहलाएगा? ईच इंडिविजुअल सेल को क्या बोलूं? मेगास्पोर. मेगास्पोर. वहां पे हम क्या बुलाते थे? समझ आया? लिखो इसे. करो करो करो, शाबाश. एंड टू एंड हम करते चले जाएंगे, हमें इतने अच्छे से हो जाएगा कि हमें कभी दिक्कत नहीं होगी, राइट. लिखो, कोई डाउट नहीं. ओके, जिसका हो जाएगा वो ऐसे कर देंगे. पलक, निशान, इशिता, तुषार, काजल, गौरव. काजल बेटा डाउट है या फिर थम्स अप कर रही है? भुवनेश्वरी डाउट है? समझ नहीं आया. चैट में लिखियो बेटा. ठीक है, ओके ओके काजल, थैंक यू. चलो आगे चले. अब एक बहुत खतरनाक बात होने वाली है जिस बात पे हम ध्यान देंगे. तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा मेल वाला बना लेती हूँ, मुझे ना इजी हो जाएगा. तो ये मेल है मेरा, और इसमें जब बनते थे ये चार सेल का ग्रुप, क्या बोलती थी मैं इसको? माइक्रोस्पोर टेट्राड. के सारे माइक्रोस्पोर फ्यूचर में जाके पोलन बनाते थे, एक ही बनाता था? सारे बनाते थे, हम एक करते थे. हाँ, तो फ्यूचर में ये सारे क्या बनाएंगे? पोलन ग्रीन. पीजी लिख दूं? मैं लिख देती हूँ अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है. पोलन ग्रीन. बेटा माइक बंद कर ले, थैंक यू.
पोलन ग्रेन्स बनाते थे, ठीक है, यही होता था. लेकिन मैंने, हमने क्या पढ़ा कि फीमेल के केस में हमें याद रखना है एक एक एग बनाएंगे हम एक मेगास्पोर मदर सेल से. यानी कि अगर मैं फीमेल के केस में बनाऊं, अरे 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 क्या हो गया, सॉरी, एक दो तीन चार, ये क्या है, और अगर तुम देखो के जहाँ पे भी मैंने माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर लिखा है, मैंने उसको ऐसे अंडरलाइन कर दिया है ना, माइक्रो मेगा वर्ड को करते रहना. इस केस में अगर मुझे एक ही मॉडिफाई करना है, तो लेट से दिस वन विल मॉडिफाई एंड ये फ्यूचर में क्या बना देगा, मेरा फ्यूचर में आगे जाके माइटोसिस करेगा और हमारा स्ट्रक्चर बनाएगा फीमेल वाला. बाकी सारे क्या करेंगे, काम नहीं ना उनको, डीजेनरेट अपने आप ही वहां पे टूट जाएंगे और घुल जाएंगे. देखो है तो क्या, सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स ये सब, प्रोटीन होते हैं, ठीक है, आयंस होते हैं, सेल के अंदर ही घुल जाते हैं, सेल उसको कंज्यूम कर लेते हैं आसपास वाले, राइट. तो बाकी तीन डीजेनरेट हो गए और एक ने फ्यूचर में जाके माइटोसिस करी. दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल के प्रोसेस में. समझ आया, इसको लिखो. जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तब बैठ के हम लोग आपस में वो बनाएंगे कंपैरेटिव चार्ट, तुम ही बनाओगे, मैं तो बस देखूंगी गलत ना बोले. करो, जिसका हो जाए वो थम्स अप. कितने बजे तक क्लास है, कितना टाइम बचा है, डी जनरेट कितने बजे तक क्लास है, 8:15 तक है ना, तो अभी हाफ एन आवर बचा है, हाफ एन आवर में बहुत आराम से हो जाएगा ये. आगे नेहा वापिस घूमने गई थी, है कैमरा ऐसे भी पीछे बंद कर लेते, सच्ची बता, खा रही होती कुछ है, अकेले अकेले जो भी खाना यहाँ पे भेजना, ठीक है मैम, है ना, कभी कोई ड्रिंक कर रही होगी ना, फोन को उसमें डुबा दियो. फिर ऐसे सर बचा के बैठी होगी कि मम्मी की फ्लाइंग चप्पल आ रही होगी ना तेरी तरफ. चलो हो गया सबका, लेट्स मूव ऑन. यही बात यहाँ पे हमने लिख दी है स्टेप वाइज, क्योंकि तुम्हें एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा स्कूल में और नीट में भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, तब सारे कंप्लीट हो जाएंगे. ध्यान से सुनना, स्टेप थ्री पहले सुनो फिर लिखना है, पहले नहीं लिखना. दिया देखो, आउट ऑफ फोर सेल्स कौन से फोर सेल, दैट इज मेगास्पोर टेट्राड, मेगास्पोर टेट्राड, ईच सेल विल बी कॉल्ड मेगास्पोर, हर एक सेल को मेगास्पोर बोलूंगी. उसमें से एक मेगास्पोर फर्दर माइटोसिस करेगा और बाकी के तीन डीजेनरेट कर जाएंगे. ये बात क्लियर है सबको, लिख लो भाई, लिख लो. जैसी हो जाए तो चलिए. अब देखिए ये डायग्राम बताओ, पेज नंबर कौन से पे है, टेन पे. किसी की पुरानी बुक होगी तो उसमें शायद 20 के लाइन पे होगा कुछ, 26 है ना. तो दीक्षा क्लास के बाद ना मुझे मैसेज कर दियो, मैं तुझे वो भेज दूंगी इस चैप्टर का पीडीएफ, ठीक है, सबको भेज दूंगी ग्रुप में. सर मैं भूल जाऊं तो मुझे तब मैसेज छोड़ देना कल स्कूल जाने से पहले. ओके मैम, मैं कर देती हूं, लेकिन आप बोलते हो आप ये नंबर सेव करो, पर आप बोलते हो होगा ना, आप मेरे पास नंबर नहीं होगा अभी सेव, कोई बात नहीं, आई विल सेव इट, बहुत सारे बैच है ना इसलिए. अब देखो ये डायग्राम में जब भी कोई फीमेल के स्ट्रक्चर का डायग्राम मैं खोलूंगी, तुमको क्या चीज जाके ढूंढनी थी, कौन सा वर्ड जाके ढूंढना है, मेगा, लुक फॉर, नहीं, माइक्रो पाइलर एंड. तुमको ये वर्ड ढूंढना है जब भी मैं फीमेल का स्ट्रक्चर खोलूंगी कोई भी प्लांट के अंदर, ठीक है, माइक्रो पाइलर एंड ढूंढो. कहाँ मिला, मिला लेकिन ये है माइक्रोपार के पास ही,
इसको भूलना मत, कंफ्यूज मत होना. एनसीईआरटी में इस चैप्टर की डायग्राम थोड़े ऊपर नीचे है, हम डिस्कस करते जाएंगे. तुमको याद रखना है कि एनसीईआरटी में लेबलिंग आ सकती है, तो लेबलिंग में गलत मत करके आ जाना. वो पूछ ले ये क्या है, तो ये मेगास्पोर मदर सेल ही है. ओके सेकंड पिक्चर में देखो, सेकंड पिक्चर में एक सेल ने डिवाइड करके दो सेल बना दिए, इसलिए डायड, डायड मतलब दो. तो एक सेल डिवाइड करके दो बना रहा है मेगास्पोर मदर सेल, तो कौन सा स्टेप हुआ होगा यहाँ पे, क्या कौन सी सेल डिवीजन हुई होगी? माइटोसिस हुई होगी. मेगास्पोर मदर सेल, मदर सेल माइटोसिस करेगा. मियोसिस वन, तो अपने वहां पिक्चर में लिख लो मियोसिस वन, है ना. अब ये डायड, दोनों सेल ने सेल डिवीजन करी और चार सेल बना लिए, तो क्या स्टेप हुआ होगा यहाँ पे? मियोसिस लिख लो, मियोसिस टू. ध्यान से देखना, 1 2 3 4 दिख रहे हैं आपको मेगास्पोर टेट्राड? यस मैम. माइक्रोपाइलर एंड अभी भी एक ही तरफ है, एनसीईआरटी में ऊपर नीचे भी होगा, तो अब ये पिक्चर लेबल हो जाएगी. डन. अब इसमें से तीन सेल डीजेनरेट कर देते हैं, चलो इनको डीजेनरेट कर देते हैं. एक जो बचा है ये, इसको हम आगे प्रोसेस करते हैं, ठीक है, माइटोसिस हो जाएगा ये. चले आगे. ठीक है जी. अब देखो, अब बड़ा इंटरेस्टिंग वाली बात होने वाली है, तो बहुत मजे आने वाले हैं, कि हमारा जो एक मेगास्पोर बचा है इसकी प्लॉइडी है एन, ये वाला सेल. मियोसिस के बाद अब जितने सेल है सबकी प्लॉइडी तो एन ही थी ना, तो ये जो मेगास्पोर बचा है इसकी प्लॉइडी है एन. अब इसके अंदर एक कमाल का जादुई प्रोसेस होता है. इसका जो सेल है ना वो कहता है मैं डिवाइड होऊंगा, लेकिन उससे पहले उसके न्यूक्लियस बहुत एक्टिव होते हैं. कहते हम ना पहले डिवाइड हो जाते हैं, बाद में सेल डिवीजन होगी. तो दो वर्ड आते हैं बायो में, अगर आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा होगा, एक होगा कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस. जिसको इसका आंसर पता है कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस प्लीज रेज योर हैंड. हाँ जी निशांत बता. मैम कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. एंड साइटोकाइनेसिस? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. वेरी गुड, शाबाश, तालियां बजाओ इसके लिए. माइक ऑन करके तालियां बजानी पड़ेगी. वेरी गुड. आवाज नहीं है मुझे, अगर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं करोगे तो वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा. गुड, शाबाश, ऑलवेज अप्रिशिएट. ठीक है, सो दिस इज ए डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, शाबाश. तो बेटा जो ये सेल बना ना हमारा मेगास्पोर, ये मेगास्पोर कहता है पहले कैरियोकाइनेसिस कर लेता हूँ बहुत सारा, फिर साइटोकाइनेसिस करूंगा. ओके, ये इसने सोच लिया. ये अब ये लाइन लिख लो एक बार, काम आइए. डन. गुड, तो देखो ये बना देते हैं भी मेगास्पोर. ऐसी कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात थी ये? इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो पीएम इज नॉट प्रधानमंत्री, इट इज बायो की क्लास में पहले ही बताया था मैंने. चल मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ, अभी नहीं हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी. लेकिन ये इसका न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस ने डिसाइड किया ना डिवाइड करना, तो इसका न्यूक्लियस अब डिवाइड करेगा. सो द न्यूक्लियस विल अंडरगो कैरियोकाइनेसिस. ठीक है, तो न्यूक्लियस डिवाइड करने लग जाएगा. बेटा है तो सेल डिवीजन ही ना, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस नहीं होंगे, तो मैं माइटोसिस ही कंसीडर कर सकती हूँ, से कोई गलत बात तो नहीं कह रही हूँ, है ना? मैम का फोन आया था तो कट कर दे दी क्लास. अच्छा बेटा, जो माइक्रोस्पोर सेल है हमारे पास, माइक्रोस्पोर सेल क्या जो न्यूक्लियस है, अब वो कह रहा है कि मैं डिवाइड करूंगा पहले, उसके बाद पूरा सेल डिवाइड करेगा. तो माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस अब कैरियोकाइनेसिस में चला गया, व्हिच इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. ओके मैम, ये समझ क्या मैम? समझ नहीं आया. नहीं आया समझ, ठीक है, अगली बार बेटा क्लास से मत जाइयो ऐसे, है ना, दिक्कत हो जाएगी तुझे. कुछ नहीं, ये वाला सेल याद है, ये वाला, ये सेल मैम, है ना, इस वाले सेल ने आगे माइटोसिस करनी है ना. तो ये सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस कह रहा है कि मैं पहले डिवाइड हो जाता हूँ, बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेता हूँ, फिर बाद में सेल को डिवाइड करूंगा. समझ आई?
तो इसका सेल कह रहा है मैं बहुत सारा अपना न्यूक्लियर डिवाइड कर लेता हूँ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। ओके मैम ठीक है, अगली बार क्लास कॉल काट लियो, क्लास में छोड़ियो। ये मैम नंबर फ्रेंड को लगी थी ना, तो मैं क्या पता नहीं क्या हो गया, गलत तो नहीं हो गया कुछ? कोई ना, चलो लिख लिया सबने? ये मैम। चलो बेटा आइए, यही बात यहाँ लिखी थी, कोई ना आगे चलते हैं। आओ भाई, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है, पहले बनाती हूँ तो ना इस सेल को मैं यहाँ बना रही हूँ। अब ना तुम्हें मुझे मदद करनी पड़ेगी हमेशा की तरह, तुम्हारे बिना मैं नहीं पढ़ा सकती। पढ़ाना ऐसे थोड़ी होता है पढ़ा दूँ तुम सीख लो, तुम भी पार्टिसिपेट करो, मिल बांट के पढ़ लेंगे, है ना। बेगास फोर, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस करेगा डिवाइड, ऑब्वियसली सेल का साइज इंक्रीज होगा, ओवरऑल साइटोप्लाज्म इंक्रीज करेगा। मैं सेल थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। एक न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो एक बार डिवाइड करके कितने न्यूक्लियस बना देगा? इट इज अ माइटोसिस। एक न्यूक्लियस डिवाइड करके कितने न्यूक्लियस बनाएगा बेटा? टोटल टू हो गया ना। हाँ तेरी बात सही है, तू कह रहा है एक नया आया एक पुराना, हाँ तो टू बन गए। तो मैं यहाँ लिख दूँ अपनी नॉलेज के लिए कि यहाँ पे माइटोसिस एक हुई है ना। वन ना आगे लिखना, पीछे मत रखना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक माइटोसिस होगी। अच्छा मैं इसको ये कह रहा मन नहीं भरा, और करेंगे माइटोसिस, ये सेल की शेप खराब नहीं करनी हमने, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, सेल की शेप ना बड़ी होगी, जगह नहीं है मेरे पास इतनी। अच्छा फिर कह रहा मन नहीं भरा, दोबारा डिवाइड करेंगे। अब दोनों न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे तो कितने बनेंगे? फोर। तो सेकेंड टाइम माइटोसिस होगी। अच्छा नहीं, अभी भी मन नहीं भरा, एक बार और, लास्ट टाइम। हमने कहा ठीक है हमारी क्लास को खत्म होने में टाइम है, चल कर ले। अब कितने बनेंगे? चार न्यूक्लियस डिवाइड होंगे तो ठीक है, तो ये मेरी होगी थर्ड माइटोसिस, सही है? है ना। तो जब तीन बार माइटोसिस होगी किसमें? मेगास्पोर में, तो मुझे एंड में, देखो हमेशा एंड प्रोसेस जरूर जानना होता है कि अंत क्या हुआ। क्लास के स्टार्टिंग में भी हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, और एंड में हम देखते हैं हमने सीखा क्या, तो मैं अंत तो बताओ। तो जब मैंने एंड देखा तो मुझे नंबर ऑफ सेल कितने दिख रहे हैं? सिक्स। फोर। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मैम, और ये सारे के सारे न्यूक्लियस है। और एक सेल क्या होता है? अ सेल इज समथिंग जिसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, राइट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एक ही में है, तो नंबर ऑफ सेल कितने हुए? एक। टोटल नंबर ऑफ सेल इज वन। और जब बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, वर्ड होता है न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई कितने हैं? एट। काउंट कर, तो तीन माइटोसिस हो गई जिसमें एट न्यूक्लियाई है, और अभी वन सेल आया है, अभी ये कंडीशन है। ओके अभी कुछ मैंने नाम नहीं दिया स्ट्रक्चर को, इतना सबको क्लियर है? इसे लिखो। हाँ भूमिका, किसी बच्चे को डाउट है तो हाथ रेस करो, बाकी इसको लिखो। अभी धीरे धीरे हम सेल बढ़ाएंगे। मैम डाउट नहीं है। ओके समझ में आया? पंच ये मैम। ओके ये मैम, चलो डन करूं आगे, वो थम्स अप कर देना। आगे तन्वी देख, अब देख फोर स्टेप में क्या लिखा, लिखना नहीं अभी। एन एम्ब्रियो सैक विल फॉर्म विथ सिनोसिटिक कंडीशन। अब नाम दिया इसने, इसने कहा मैं ना इसको एम्ब्रियो सैक बोल नहीं सकता हूँ, अभी अभी मॉडिफाई होगा ये एम्ब्रियो सैक सा बन रहा है विद कितनी कंडीशन? सिनोसिटिक कंडीशन। अब सिनोसिटिक कंडीशन क्या होती है? देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एक सेल है इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, दिख रहे हैं आपको? एक सेल है बहुत सारे न्यूक्लियस के साथ, तो मैं कह सकती हूँ दोनों का एंड रिजल्ट ये है, वन सेल विद मल्टीपल न्यूक्लियस, सही बात है? लेकिन इनके बनने का तरीका अलग है, बनने का तरीका देखना, ध्यान से देखना क्या हुआ, बहुत ध्यान से। एक सेल में एक न्यूक्लियस था, उसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर उसका न्यूक्लियस फिर डिवाइड हो रहा है, ऐसे बहुत सारी सेल डिवीजन करने के बाद फाइनली एक ऐसा सेल बन गया जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है,
ये एक तरीका हुआ जिसने एक ही सेल के न्यूक्लियस ने बहुत सारी मेहनत करके अपने नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ा लिए, ठीक है, इसने बहुत सारी मेहनत करी, क्लियर। दूसरे केस में क्या हुआ, बहुत सारे डिफरेंट सेल आए, ये सेल नंबर वन, ये सेल नंबर टू, ये सेल नंबर थ्री, ये सेल नंबर फोर, इन्होंने कहा इतने सारे मेहनत क्यों करनी है, फ्यूज कर जाते हैं, कि सारे सेल आपस में फ्यूज कर गए, जब सारे सेल आपस में फ्यूज करके तब भी तो एक सेल विद मल्टीपल न्यूक्लियस बन गया ना, ये मैम है ना, तो मेरे को लगता है ज्यादा सारी मेहनत किसने करी थी, वो ये था, इसको हम बोलते हैं सिनोसिटिक। और जो फ्यूज कर गए थे, जब भी वर्ड आता है फ्यूज तो हम याद रहते हैं सिन, है ना, तो सिनोसिटिक कंडीशन का मतलब है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बनना इस प्रोसेस से, कि एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनना इज ए सिनोसिटिक कंडीशन, ठीक है, इतना लिखा, इसको लिखो, अभी कहाँ लिखा मैंने, टाइम का लिया, कोई जिसको डाउट, ये कॉन्सेप्ट बहुत बार आएगा, तन्वी अकेले मुस्कुरा रही है, हाँ दीक्षा बोल। मैम तो इन दोनों के नाम क्यों होंगे, मैम एक का तो सिनोसिटिक है और दूसरे का भी तो एस वाई एन है, सिन सिनसिशन, सिनो ये सी से है ना, सिनो सिन मतलब फ्यूज, तो सिन से तो फ्यूज याद रखिए, प्रोनाउंसिएशन करेंगे तब तब तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगी कि कौन सा सिन वाला है, तभी तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना वो कैसे फॉर्म करा, इसलिए तो यहाँ लिखा है कि एम्ब्रियो एक सिनोसिटिक कंडीशन से बना है, तो जहां पर ये वर्ड आएगा हमें एक बार पता करना पड़ेगा, ओके चलो आगे चलूं। ये ना आपको सेल वाले चैप्टर से घुमा फिरा के आता, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से बनाया है इसको ना, ऐसे ही लाइन देखो, जब दो वर्ड्स में कंफ्यूजन हो ना उसको हमेशा कंपैरेटिव बनाते हैं, तो ये सिनसिशियम कंडीशन है और ये सिनोसिटिक कंडीशन है, हमने ध्यान सिनोसिटिक पे देना है इसलिए हम ज्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन आप इसको ऐसे ही बना लो कि एंड रिजल्ट दोनों का सेम है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल यहाँ पे फ्यूजन से बने थे, मैं यहाँ फ्यूजन लिख देती हूँ, और यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस ने बहुत सारी मेहनत करके बनाया, ओके ये मैम। तन्वी लिख रही है, ये मैम, ये जो शैतानों वाली हंसी करती है ना, डाउट होता है मुझे उस पे। हाँ जी सोनम, श्रुति, रितेश, हुआ? Yes, ma'am. हुआ? Yes, ma'am. देख बेटा अब ये बात जो मैंने तुझे बोली है वो यहाँ लिख दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अभी मत लिखना, इसको क्लास के बाद लिखना, सेम चीज बोली है मैंने कि एंड रिजल्ट हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है, यहाँ पे सिनोसिटिक में वो न्यूक्लियर डिवीजन से बना है और सिनसिशियम में फ्यूजन से बना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बाद में लिखना और एक पेज छोड़ दो अपने वहां पे, हाफ पेज छोड़ दो। Yes, ma'am. अच्छा अच्छा तन्वी, चलो इधर इधर फोकस, चले आगे आइए। अब देखो एम्ब्रियो सैक जो था, अगर मैं देखूं तो ये तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा, ये बहुत बड़ा, अच्छा सैक का मतलब होता है बोरी, बोरी जैसा, तो ये बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल है ना, इसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म होगा, बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस तैर रहे हैं, ऐसे नहीं है? तो बहुत सारा ऐसा एम्ब्रियो सैक इज ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस तैर रहे हैं, और ये बना कितनी माइटोसिस के बाद था, थ्री, ये तो हमने बनाते देख लिए थे, करेक्ट तो अभी ये, लेकिन लेकिन अगर तुम्हें क्लास में बैठे हो, सब इधर उधर बैठे हो, लेकिन अगर तुम्हें पढ़ना होता है तो तुम अपने अपनी सीट पे आके बैठते हो, स्क्रीन सामने है और तुम पीठ करके पीछे बैठोगे तो पढ़ तो नहीं पाओगे, तो वही चीज प्लांट के साथ भी है, वो कहता है इन सब न्यूक्लियस ने आगे चल के काम करना है, क्योंकि हम इतना सारा प्रोसेस कर क्या रहे हैं, हमें एग बनाना है, एग अभी तक बना? नो मैम। एम्ब्रियो सैक एक स्ट्रक्चर है, एग तो नहीं है ना, एग नहीं है ना, तो एग बनाना है, तो इसके लिए इन सबको अपनी अपनी जगह पे आना पड़ेगा और इनको थोड़ा सा मॉडिफाई होना पड़ेगा, तो इनकी मॉडिफिकेशन बढ़े, तो स्टेप फाइव लिख लो फटाफट, फिर 5 मिनट और ये खत्म। फोकस रहना, लेकिन थक तो नहीं गए मैम? हमारा कौन चैप्टर स्टार्ट होगा?
ये टॉपिक खत्म, चैप्टर अभी यही है. मतलब ये जो चैप्टर हो जाएगा जब पोलन ग्रेन एग वगैरह सारे. नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन. अच्छा ये मैम, ये कौन से पेज नंबर पे डायग्राम? मैम पता नहीं, बुक की नहीं है. बाकी लोग बता दो भाई. किसी का 26 पे और किसी का 10 पेज पे. ठीक है, तो ये आपको यही कंडीशन दिखा रहे हैं जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं. देखो दो हुए, एक दो तीन चार चार हुए, अब एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं. राइट, ठीक है, चलिए आगे आइए. अब सारे न्यूक्लियस को अच्छे बच्चे की तरह अरेंज करना पड़ेगा अपने आप को. राइट, तो देखो ऑल द न्यूक्लिया, कितने न्यूक्लिया है टोटल? ऑल द एट न्यूक्लिया विद अरेंज देम सेल विद इन अ सिंगल एम्ब्रियो सैक. अब ये अपने आप को अरेंज करना स्टार्ट करेंगे, और जब ये अपने आप को अरेंज करना स्टार्ट करेंगे ना, तो जैसे तुम किसी की शर्ट बाहर निकली है, जैसे रिबन खुला है, जैसे टीचर क्लास में आते हो तो तुम भी थोड़ा ठीक हो जाते हो, है ना. तो अब ये क्या करेंगे, ये भी अकेले न्यूक्लियस नहीं रहेंगे, अभी अपने आसपास प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनानी स्टार्ट करेंगे. सो ऑल द एट न्यूक्लिया विल अरेंज देम सेल्फ इन अ सिंगल एम्ब्रियो सैक. मतलब ये एम्ब्रियो सैक में सारे न्यूक्लिया अपनी अपनी जगह पे जाने लग जाएंगे, जो भी इनकी जगह है, और ये स्टार्ट हो जाएंगे अपने आसपास प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना. और जब ये प्रोसेस हुआ तब एक कमाल का ट्विस्ट आएगा, ऐसी वो ट्विस्ट समझ आ जाएगा, हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो पहले इतना लिखो फिर मैं तुमको ट्विस्ट बताती हूँ, ये मजेदार होगा. अच्छा निशांत, स्टेप बाय समझ नहीं आया? निशांत निशांत से पूछ रही हूँ मैं, निशांत स्टेप फाइव नहीं आया? हो गया? अच्छा आगे. ओके ये लो मैम, मैं कुछ नहीं समझाओगे. अच्छा आया नहीं आपको समझ? मैम ये नहीं स्टेप सिक्स ये. हाँ हाँ कर, अभी कर, इसे लिख, अभी तो मैंने कराया नहीं, मैं करा देती हूँ. जरून भाई ओके ये जो एनसीईआरटी का लिंक है ना, इसको प्लीज आप ग्रुप में डाल देना, ताकि बच्चे वहां से एसेस करें, क्योंकि कुछ बच्चे आए नहीं होंगे ना तो उनको नहीं मिलेगा, तो आप इसको प्लीज ग्रुप में डाल देना, अदरवाइज ये चैट से चैप्टर में चले जाएंगे और फिर उनको वापस लाना मुश्किल हो जाएगा. चलो जी डन. देख दीक्षा कुछ नहीं है, यही था ना, ये एम्ब्रियो सैक था हमारा बेटा, इसके अंदर ये न्यूक्लिया है, ये तैर रहे हैं, ये तैर रहे हैं, बस इतना ही बोला उसने, ये साइटोप्लाज्म है, ये तो बोला मैम. लेकिन लाइन तो इतनी भयंकर बना के लिखी है, जब आराम से पढ़ेगी तो समझ आएगा ना. ये मैम है ना, उसके बाद अभी अपने आपको रीअरेंज करने लग जाएंगे, अपनी अपनी जगह जाने लग जाएंगे. चलो मैं तुमको ट्विस्टिंग बात बताती हूँ. तो मैं एम्ब्रियो सैक बना रही हूँ, अब सारे बच्चे माइक बंद करो, सारे बच्चे फोकस करो, ठीक है, ये समझ आ गया, खत्म हो गया, फीमेल का पार्ट खत्म हो गया, फिर हमें अलग चीजें करनी है. ये मैंने बना दिया हमारा बढ़िया से एम्ब्रियो सैक. अब इसके पास कितने न्यूक्लियस थे? एट. चलो एट न्यूक्लियस को अपनी अपनी जगह भेजते हैं. अच्छा हमेशा मैं हर फीमेल के पार्ट में कौन सा टर्म सबसे पहले ढूंढूंगी? माइक्रोपाइलर. बेटा ये ऊपर नीचे कहीं भी बना हो सकता है, मैं माइक्रोपाइलर एंड या पोल कुछ भी लिख दूं, मैंने जहां लिख दिया वहां तुम्हें याद रखना है अभी से. ठीक है, तो तीन न्यूक्लियस चले गए एक तरफ, चलाजल की तरफ. ठीक है जी, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस चलाजल की तरफ चले गए. अब न्यूक्लियस ने अपने आप को अरेंज भी करना है और सेल वॉल भी बनानी है, तो इन्होंने अपनी सेल मेम्ब्रेन भी बनानी है, इन्होंने अपनी मेम्ब्रेन बना ली, वन टू थ्री. तो आप सेल किसको कहते हो? सेल वो स्ट्रक्चर है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस भी है, उसी को कहते हो ना सेल. ये मैं बात ये. तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने न्यूक्लियस है अभी तक? थ्री. तो यहाँ पे मैंने एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ बोले थे, सेल मैं भी बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे कितने सेल है ये टोटल? तो ये है मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है मेरा न्यूक्लियस. ठीक है, टोटल कितने हो गए? ये तीन सेल हो गए. तो मतलब तीन न्यूक्लियस काट देती हूँ मैं यहाँ से और तीन सेल की लाइन काट देती हूँ. क्लियर? अब बेटा दो न्यूक्लियस को ना सेंटर में लिया. ठीक है, इसके आसपास प्लाज्मा मेम्ब्रेन रुक जाए से छोड़. अब दो न्यूक्लियस को इधर लिया,
माइक्रोपाइलर एंड की तरफ दो न्यूक्लियस लिए तो इसके आसपास में मेम्ब्रेन भी लगा दे। अब बता मुझे कितने सेल हो गए ये? नहीं सिर्फ नीचे वाले सेल काउंट करो। टू। और कितने न्यूक्लियस है उनके अंदर? टू। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब एक न्यूक्लियस को, बड़ा स्पेशल न्यूक्लियस है, उनको इनके पास रख दे और इसके आसपास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा दे। ये कितने न्यूक्लियस है? और कितने सेल है? वन। तो अभी मेरे को एक बार काउंट करके बताना कितने सेल कितने न्यूक्लियस हुए। हम पूरे के अंदर ये जो नीचे हैं वो वाले अभी काउंट सही नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। अब एक काम करो, कितने न्यूक्लियस चाहिए थे हमारे पास, थे कितने एम्ब्रोसाइट के पास? एक। कितने बचे हैं? कितने बचे हैं? टू को रख दे सेंटर में। ठीक है, ये न्यूक्लियस खास है, ये कहते हैं ऐसा है कि हम अपने पास कोई बंदिश नहीं लगाएंगे, हम अभी भी तैरेंगे। ये वो वाले बच्चे जो स्विमिंग पूल से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है ये खास है, सो इन्हें आप कहते हैं पोलर न्यूक्लियस। ठीक है, ये दो है नंबर में, तो ये दोनों न्यूक्लियस हो गए। लेकिन ये अकेले थोड़ी बैठे हैं, ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर है ये पूरा है, ये भी तो एक सेल है ना, दिस इज ऑल्सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना। तो इसको भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसीडर करते हैं। तो पोलर न्यूक्लियस कितने सेल के अंदर पड़े हैं? वन सेल पड़े। यस, तो अब मेरे को बात बताओ बड़े आराम से, सारे स्क्रीन पे देखो, सारे स्क्रीन पे देखना। तो सबसे यहाँ पर बताओ, सबसे ऊपर कितने सेल है ये? पोलर न्यूक्लियस कितने हैं टोटल न्यूक्लियस? टू। एम्ब्रोसाइट कितने न्यूक्लियस हैं? तीन। न्यूक्लियस न्यूक्लियस कितने? सॉरी एम्ब्रोसाइट कहाँ गया, एग ये वाला, ये कितने सेल है? एक। ये न्यूक्लियस भी वन है और ये सेल भी वन है। यस मैम। अब ये जो दो नीचे पड़े हैं ये कितने सेल है? टू। न्यूक्लियस टू। ये पूरा स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियोसैक। तो मुझे काउंट करके बताओ टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं एम्ब्रियोसैक में? सेवन। और कितने न्यूक्लियस हैं? एट। तो जब एम्ब्रियोसैक मैं वर्ड यूज करूंगी, यानी सब कुछ अरेंज हो चुका है, सब कुछ डिवाइड हो चुका है, तो मैं फाइनली बोलूंगी एन एम्ब्रियोसैक इज व्हाट? एम्ब्रियोसैक, जो लाइन तुम्हें बार बार पूछेंगे वो एनसीईआरटी में मिलेगी, इट इज अ कितने सेल? सेवन सेल। सेल लिखते पहले, इट इज अ सेवन सेल विद एट न्यूक्लियस। एट न्यूक्लियस तो नहीं, गलत होगा, न्यूक्लियस। क्लियर आपको? अब मैंने बस इसका नाम बताना है तुम्हें, ये लिख लो सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब एनसीईआरटी पढ़ना मेगा स्पोरोजेनेसिस, जो अब ना समझ आया ना वो लाइन अंडरलाइन करके भेज देना मुझे, अब तो समझ आनी बनती है, हक बनता है ना। चलो लिख लिया सबने? देखो छोड़ो, अब देखो एक चीज जो तुमको याद करनी है इसके नेमिंग, तो ढूंढ लो माइक्रोपाइलन कहाँ लिखा है, नीचे माइक्रोपाइलन यहाँ लिखा है। तो चलाजल से स्टार्ट करते हैं, वहीं बनाया था बेटा, जो चलाजल था, चलाक था ना, इसके पास हमने ऐसे सेल देने हैं जो पसंद नहीं, वो कुछ काम नहीं करेंगे, उसका काम एक्चुअली हमें पता नहीं अभी तक। ठीक है, तो चलाजल एंड में जो तीन सेल थे उन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ओके, लिखो डायग्राम बनाओ, लिखो, इन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। और चलाजल के बिल्कुल ऑपोजिट जो दो सेल पड़े हैं वो चलाजल से सड़ते रहते हैं ना, इसलिए हम उन्हें बोलेंगे सिनर्जिड सेल, ये सड़े रहते हैं। ठीक है, अब सिनर्जिड सेल्स के नीचे ऐसे निकली हुई है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसे फिलिफॉर्म अपैरेटस कहते हैं। दिस इज नॉट अ सेल, ये बस उसकी एक्सटेंशन है सिनर्जिड सेल्स की। क्या काम होता है अभी नहीं जाना। सिनर्जिड सेल्स मतलब जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ दो सेल्स पड़े हैं जिनके पास फिलिफॉर्म, उनकी एक्सटेंशन है, मतलब उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आगे एक्सटेंड होगी ना, उसने ऐसे स्ट्रक्चर्स बना लिए। यस मैम। जैसे सिनर्जिड सेल है ना, तो ये इसकी एक्सटेंशन होगी। ठीक है मैम। उसी के ऊपर पड़ा हमारा एक्सेल। यस मैम। तो एक्सेल किसके पास होता है, एंटीपोडल सेल्स के पास या सिनर्जिड सेल्स के पास होता है? ज्यादा सिनर्जिड सेल्स। और सेंटर में दोनों न्यूक्लियस को क्या बुलाएंगे हम? पोलर न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियस। किसी को कोई डाउट? नो मैम।
ठीक है जी, चलिए फिर तो ले लो. एन एम्ब्रियो सैक विल फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन. बेटा इतने सारे स्टेप में कहीं पे मैंने मेल गैमेट को ला के फ्यूज करवाया अभी तक? नो मैम. फर्टिलाइजेशन नहीं हुई ना, तो नीट का क्वेश्चन ये आता है कि एम्ब्रियो सैक कब बनता है. बेटा बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, बाद में थोड़ी बनता है, अभी तक तो फर्टिलाइजेशन हुई नहीं. तो इसे अंडरलाइन करो. एंड इट इज एन एट न्यूक्लिएटेड सेवन सेल स्ट्रक्चर, ये लिख लो. एंड वी आर डन विद मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोरोजेनेसिस. अब मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगी. दो सबने लिख लिया. आइए क्वेश्चन करते हैं फिर हम अपने. कितनी खुश हो गई है. जरा ध्यान से करना ये वाला क्वेश्चन चैट बॉक्स में. 30 सेकंड समीक्षा की तरह. ओके दीक्षा, दैट वाज फास्ट. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. हाँ दीक्षा बाजी मारी. निशान पीछे रह गया बेटा. विजुल कोई बात नहीं, अगले में करना. द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट डेवलप इनटू फ्रूट. हमने तीन सर्कल जिंदगी के करे थे है ना, लेकिन हमें याद है कि फीमेल ही है जो फ्रूट बना सकती है. तो फीमेल इज रिमेम्बर फ्रॉम कपल. आंसर वुड बी बी. वेरी गुड. ट्राई दिस वन. ये जरा ध्यान से करना, ध्यान से रीड करना पूछ क्या रहा है. एक्साइटेड होके नहीं करना, पेशेंस से करना है क्वेश्चंस. और एम्स में क्वेश्चन आया है, इतना इजी. वेरी गुड रितेश, वेरी गुड हर्षे, हर्षे सिरप, वेरी गुड भुवनेश्वरी, रिजुल, शाबाश ईशा. बस काजल कश्यप तक और कोई नहीं. मैम निशान ने बोला सबसे पहले, उसके बाद मैंने. बाकी बच्चे गुड. दीक्षा हाँ, तन्वी गुड. देखो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एन ओव्यूल. ओव्यूल हम ये तो बनाते थे, हमने तो एनाट्रोपस वाले पे ध्यान दिया है. तो जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल का, वो उसके कपड़े थे ना, और उसके कपड़ों को हम क्या बुलाते थे? टेग्यूमेंट्स. सो आंसर वुड बी बी. गेम्स में आया है, सोचो. हाँ तो ये ओव्यूल है पूरा का पूरा, और ये उसके इंटेग्यूमेंट्स. अगर वो इंटेग्यूमेंट्स में भी बोल देता आउटर एंड इनर, तो हम आउटर इंटेग्यूमेंट कहते. चलो लास्ट क्वेश्चन, देन यू कैन लीव. जिसकी अटेंडेंस है बस बोल दिया ना. ये तो उनको आता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से मिलता हुआ है. नेहा ध्यान से पढ़, ध्यान से पढ़ क्वेश्चन, गलत हो ही नहीं सकता. हाँ आ गया ना. इन एन ओव्यूल, एक ओव्यूल में वो स्टॉक जो अटैच करती है ओव्यूल को उसके प्लेसेंटा से. वो बहुत फनी सी चीज थी ना, अम्बिलिकल कॉर्ड याद दिलाती थी हमें. तो फनी से हमने याद रखा था फ्यूनिकल. राइट, आंसर वुड बी डी, करेक्ट. Yeah, तो मैं तुम्हें प्रेजेंटेशन भेजूंगी, एनसीईआरटी भी होगी उसमें, रीड करना. कल हम इसको एनसीईआरटी से करेंगे और सारे क्वेश्चन लगाएंगे होमवर्क वाले भी. ओके चलो जरा मुझे फटाफट से बता दो. हाँ कोई बच्चा जिसका डाउट है कोई.